का हमारा टॉपिक है हिंदी का कक्षा 10 का पदखंड का क्षितिज पुस्तक का पाठ 1 सूरदास। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूरदास की जीवनी के विषय में। भक्तिकालीन कवियों में ब्रजभाषा के कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान आगरा मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। यही उनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई और यही उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, अतः उनके गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य माने जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। रचनाएं इनकी तीन रचनाएं हैं, जिनमें पहली रचना है सूर सागर। सूर सागर यह श्री कृष्ण की विविध लीलाओं पर आधारित है और इसमें कृष्ण का बाल वर्णन और भ्रमर गीत संग्रहित है। इसके बाद उनकी जो दूसरी रचना है वह है सूर सारावली। इसमें वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से संबंधित विशेष पद संकलित हैं। इसके बाद तीसरा इनका तीसरी जो रचना है वह है साहित्य लहरी। इसमें सूरदास जी द्वारा कूट पद शैली में रचित 118 पद है। अब हम पढ़ते हैं सूरदास जी का निधन। सूरदास जी का निधन सन 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ। अब आती है उनकी साहित्यिक विशेषताएं। सूरदास जी ने 125,000 पदों की रचना की। सूरदास के ये पद श्रीमद् भागवत पर आधारित थे। सूरदास की काव्य की भाषा ब्रजभाषा रही है। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं सूरदास पाठ का पाठ परिचय। सूरदास जी के पाठ के पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। प्रथम पद में कृष्ण राधा से गोपियां कृष्ण को चोर बताते हुए उद्धव के समक्ष अपनी भय व्यथा व्यक्त कर रही हैं। तीसरे पद में गोपियों ने कृष्ण को भेजे गए संदेश के विषय में बताया है और अंतिम पद में गोपियां कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को सिद्ध कर रही हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसका पहला पद। भुजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। एक दिन अचानक कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है और कृष्ण राधा से पूछते हैं, भुजत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहती अपनी पूरी। इस पर राधा कृष्ण को उत्तर देती है कि हम काहे को ब्रज की गलियों में आने लगे, हम तो अपने घर के द्वार पर खेलते रहते हैं। सुनत रहती है शवननी नंद टोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। राधा कृष्ण से कहती है, मैंने नंद के बेटे के विषय में सुना है कि वह माखन और दही को चोरी करता घूमता है। तुम्हारो कहा चोरी हम ले है, केलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक सिरोमणि, वातनी भर रही राधिका भूरी। इस पर कृष्ण ने राधा से कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, आओ हम दोनों साथ मिलकर खेलते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही रसिक स्वभाव के हैं। वातनी भर रही राधिका भूरी, उन्होंने भोली राधिका को अपनी बातों में उलझा कर अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया। आइए हम पढ़ते हैं इनका दूसरा पद। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरी लियो तनक चितवनी में, जपल नैन की कोर। इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उस समय जब उद्धव से गोपियां वार्तालाप करती है तो उस समय कहीं से एक भौरा आकर बढ़नाने लगता है, तो गोपियां उस भौरे को कृष्ण का प्रतीक मानकर कहने लगती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम्हारे जैसे श्याम वर्ण वाले भगवान कृष्ण हमारे चोर हैं।
मन हरी लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों और तिरछी दृष्टि से हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। हमने अपने प्रेम और प्रीति के बल पर उन्हें पकड़कर अपने हृदय में बसा रखा था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हसनी अकोर। लेकिन वे अपनी हसी रूपी रिश्वत देकर सारे बंधन तोड़कर हमें छोड़कर चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिल्यो एक भोर। और जब हमें इस बात का पता चला तो हम चौंक गए और हमारी सारी रात जागते हुए बीती। दूत मिल्यो एक भोर। अब हे उद्धव तुम्हारे रूप में हमें एक दूत संदेश लाने वाला भोरा मिला है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि उस चतुर नवल किशोर भगवान कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इनका तीसरा पद। संदेश ने मधुबन कूप भरे अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी ना फिरे। गोपियां कहती हैं कि अभी तक हमने भगवान कृष्ण को जितने भी संदेश भेजे हैं उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी ना फिरे। वे अपने संदेश तो हमें भेजते नहीं है और साथ ही वे हमारे संदेशों को पढ़ते तक भी नहीं है। जिते पतिक पठाए मधुवन को बहुरी न सोध करे। हमने जितने भी राहगीर पथिक संदेश लेकर भेजे थे बहुरी न सोध करे वे फिर वे वापस लौटे ही नहीं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के वहू बीच मरे। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने साथ मिला लिया है के वह बीच मरे या फिर वो कहीं बीच में ही मर गए हैं। कागत गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे। या फिर ऐसा लगता है कि कागज मथुरा के जितने भी कागज हैं वे सारे वर्षा के जल में गल गए हैं। मसी खूटी मथुरा की सारी स्याही समाप्त हो गई है। सरदव लागी जरे या फिर ऐसा लगता है कि कलम बनाने वाले सरकंडे के वनों में आग लग गई है। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। या फिर ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण का संदेश लिखने वाला जो सेवक था वह अंधा हो गया है। उसके नेत्रों के पलक रूपी कपाट नहीं खुल रहे हैं जिससे हमारे संदेश भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इनका चौथा पद जो कि अंतिम पद है। ऊधो मनमाने की बात दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है हे उद्धव हम तो हमारे मन की बात मानते हैं। दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। दाग छुआरा जैसे अमृत फल को छोड़कर विष का जो कीड़ा होता है वह विष को ही खाता है। जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगर अघात। जिस प्रकार से जो चकोर पक्षी होता है वे कपूर जैसे सुगंधित पदार्थ को छोड़कर अंगारों को खाता है। मधु करत घर फोरी काट में बंधत कमल के पात। मधु यानी भोरा लकड़ी में छेद करके उसको अपना घर बनाता है बंधत कमल के पात। लेकिन वही भोरा कमल की पंखुड़ियों में बीच में फंस जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। जिस प्रकार से पतंगा अपनी भनाई जानकर दीपक की लौ में लिपटकर भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो सो ही ताही सुहात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही उसे सुहाता है। अर्थात हमें भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। अब आते हैं इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ जिन्हें आप मेरे वीडियो में से देखकर उन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दूत मिल्यो एक भौर से आशय है। इसमें चार ऑप्शन है जिसमें जो घ नंबर का ऑप्शन है उद्धव वह इसका सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा है नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है। इसका सही उत्तर है कृष्ण। के बाद आते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न जिसमें तीसरा प्रश्न है
कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? तो इसका उत्तर है कि सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। उसके बाद छठा और अंतिम प्रश्न है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया है? श्याम ने गोपियों के द्वारा संदेश लेकर जाने वाले पथिकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया है। आज का जो मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको सूरदास पाठ के विषय में बताया, ये यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो